हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। बिफोर आई स्टार्ट टूडेज क्लास लेट मी अनाउंस वन गुड न्यूज़ एंड इट इज़ अबाउट द फ्री कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च फॉर आवर स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं पंद्रह सौ से ज़्यादा कोर्सेज का सो वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू गो टू द लिंक दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड चेक योर प्रिपरेशन ओके एंड इफ यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सो लेट्स बिगिन विद आवर टूडेज़ क्लास Our today's novel is The Brothers Karamazov which is written by Fyodor Dostoevsky okay Fyodor Dostoevsky So this is a Russian novel and therefore we find the names which are very complicated All right like Karamazov then Fyodor Dostoevsky etc and in the novel we find few more like एलियोसका एलियोसका एलियोना जोशिमा एक्सेट्रा and uh, not only that there are girls' name which are more complicated like क्रुशेंका एलेवसका etc. Okay, so आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को alert रह के सुनना है कि नावल में क्या बताया जा रहा है और start करने से पहले हम लोग discuss करेंगे character sketch. Before we start the novel, we will discuss about all the characters that are present in the novel. Therefore, to understand the text better, what you need to do is you need to be alert for the explanation of each and every character. Alright, then only you will have a clear picture about the protagonist and other members of the novel, and then you will understand.

इसमें कोई भी लड़की नहीं है ये फैमिली में जो भी लड़कियां हैं जैसे मदर या सिस्टर वो मर चुकी हैं ठीक है ठेके? तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं बता दूं आपको नोवेल में लड़की नहीं है ये दिखाने के लिए कि लाइफ विदाउट वमन इज़ डेवास्टेटिंग किसी की लाइफ में वाइफ या बहन या मदर नहीं है तो उनका लाइफ कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है वो बताने के लिए फ्योदोर दोस्त्रोवस्की ने कोशिश किया है ठीक है और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि एक फैमिली को जोड़ के रखना एक फैमिली को एक मैनरिजम सिखाना डिसिप्लिन में रखना ये नाइन्टी परसेंट काम औरतों करती है और बिना औरत के एक फैमिली एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकती इसके बारे में फ्योदोर इस नोवेल में बताते हैं लोग कैसे इमोरल हो जाते हैं अगर उनके घर में लड़कियां नहीं हैं तो वो दूसरे की लड़कियों को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उनके नज़र में वो सिर्फ़ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है सिर्फ भोग करने की वस्तु हो जाती है और उसी जगह फैमिली में अगर कोई फीमेल मेंबर हो तो उन लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है और उन लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है ये सब बाक़ी के बच्चे समझ जाते हैं ठीक है तो ये नावल में औरतों का नहीं होना स्पेशली कैरामजो फैमिली में नहीं होना यही बता बतलाता है कि फैमिली में औरत नहीं होने से उनका पतन निश्चित है जैसे कि कैराज़ो ब्रदर्स का हुआ लेट्स बिगिन विद द ऑथर्स डिटेल्स शुरू करते हैं ऑथर के डिटेल्स को स्टार्ट करके इस नावल के राइटर हैं द राइटर ऑफ दिस नावल इज फ्योदोर मिखाइलोविच द्रोस की फ्योदोर मिखाइलोविच द्रोस््रोव्स की ठीक है प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तरोकी ऑलराइट? राइट और उनका जन्म हुआ था इलेवेंथ नवंबर, 1821, मॉस्को जो कि रशिया में है मॉस्कोवस्की यज इस जगह पे, ठीक है मॉस्को में ये मॉस्कोवस जगह है और उसके अंदर हमको देखने को मिलता है यज और ये क्या है यह है मॉस्को गवर्नेट ये मॉस्को गवर्नेट एरिया में है और ये रशियन एम्पायर को बिलोंग करती है उनका डेथ हुआ था नाइन्थ फेबररी 1881 एटी वन एट द एज ऑफ फिफ्टी नाइन और कहाँ पे हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग ये सभी एरियाज रशिया के हैं टाउन्स, सिटीज़ रशिया के हैं और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोगों को रशिया में ही स्टार्टिंग और रशिया में ही एंडिंग देखने को मिलेगा इस नोवेल में ठीक है सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नेट रशियन एम्पायर ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नेट के अंडर में आता है जो कि रशियन एम्पायर में है ओके लेट्स मूव टू हिज ऑक्युपेशन हिज ऑक्युपेशन इज ही इज ही वाज एन इंजीनियर नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट जो राइटर हैं द्रोस्की उनका कैलिबर नावलिस्ट एज अवलिस्ट हम लोग देख पाते हैं एज ए जर्नलिस्ट और एज एन इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियर तो सभी फील्ड में ऑलमोस्ट उनका ज्ञान था ही हैड ऑल द नॉलेज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एन इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियर ही इन द ना आल्सो ही टॉक्स अबाउट सोल्जर हु इज़ द एल्डर सन ऑफ The Fyodor family and the writer is a novelist. Obviously, he writes so many novels and he had become very popular for this particular novel. And apart from this, he has written Crime and Punishment, which had become another bestseller. Okay, let's move to the next page about the author.

जब मैं बता रही हूँ नोटेबल वर्क्स तो आपको पब्लिकेशन डेट भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में द ईडियट एटीन सिक्सटी एट टू एटीन सिक्सटी नाइन ये दोनों पीरियड के बीच में इसका लिखना हुआ और पब्लिश हुआ था एटीन सिक्सटी नाइन में नेक्स्ट डिमॉन्स इन दर एटीन सेवेंटी वन एंड सेवेंटी टू इस बीच में उन्होंने लिखा था द ब्रदर्स कैरामेजोफ ये पब्लिश हुआ था 1881 और लिखना शुरू हुआ था 1879 में और कंप्लीट हुआ था 1880 में सो so ये जो कुछ नॉवेल्स के नाम हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे उसका मैंने मेंशन किया और यही प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा अमाउंट में करना है एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को ठीक है और इंडिविजुअली आपको वर्क हम लोगों के चैनल में मिल जाएगा आप सर्च करके उसको लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी फोक दिस वर्क वॉज सो पॉपुलर विच हिम एंट्री इन टू सेंट पीटर्सबर्ग लिटरेरी सर्कल और ये जो लिटरेरी सर्कल है वहां पे वही लोग जा सकते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हों उनके काम के अनुसार जो एक दो नावल लिख लेते हैं अपने पैशन को ज़िंदा रखने के लिए उन लोगों का एंट्री नहीं होता था वही लोग जा पाते थे जिनको बेस्ट उन जिनके बुक्स बेस्ट सेलर होते थे और रशिया में उन लोगों का नाम होता था ठीक है तो वो एक मेंबर बन गए सेंट पीटर्सबर्ग लिटरेरी सर्कल और कुछ चीज़ें थी रशिया में जो कि बैंड की गई थी किसी को भी उसके ऊपर बोलने से या फिर लिखने से और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस बारे में बात कर दिया और उसकी वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया था ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही वॉज़ अरेस्टेड इन एटीन फोर्टी नाइन फॉर बिलोंगिंग टू अ लिटरेरी ग्रुप दैट डिस्कस्ड बैंड बुक्स क्रिटिकल ऑफ जारिस्ट रशिया अब देखिए ये सर्कल ऑफ ट्री पोइटिक सर्कल या फिर लिट्ररी फिगर्स सर्कल में इन्वोल्फमेंट होने के बाद इन्वॉल्व होने के बाद वो अपने लिखने में वो अपने राइटिंग्स में वो सब चीज़ें डिस्कस करने लगे जो कि ज़ार एम्पायर में अलाउ नहीं था जो एम्पायर वहाँ पे रूल करते हैं उनको कहते हैं जारिस्ट ठीक है ज़ार किंग जरीना अगर कोई लेडी हो एम्पयर तो तो जारिस्ट रशिया में जो टॉपिक्स बैंड थी वो टॉपिक्स पे उन्होंने लिखना शुरू किया बोलना शुरू किया जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था 1849 में लेकिन ओके उनको सेंटेंस टू डेथ डिक्लेयर कर दिया गया कि वो जब तक नहीं मरेंगे तब तक उनको डेथ करना है ठीक है उनको लटकाना है अब उनको कैप्चर कर लिया गया उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया और जब उनका डे आया डे, जब उनको मारना था उस दिन क्या हुआ कि उनको सिर्फ कम्यूट करके छोड़ दिया गया कम्यूट का मतलब क्या है मैं बता दूं आपको सपोज़ किसी को डेथ पेनल्टी डिक्लेयर हुआ तो उसको डायरेक्टली डेथ नहीं देंगे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि शूट कर दिया और मर गए या फिर फांसी दे दिया मर गए उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाता था डेथ के वक्त कितना पेन होता है वो मेंटल टॉर्चर दे के जो प्रिजनर्स थे उन लोगों को या तो चेंज कर किया जाता था या फिर उनको उसके बाद में मारा जाता था ठीक है तो फॉर्चुनेटली जो हमारे राइटर हैं दोस्तरो उनको कम्यूट कर किया गया जैसे कि उनकी आँखों को बंद किया गया और एक पिस्टल दिया गया उनको हाथ में और उसको बोला फायर करो अगर उसमें एक गोली है अगर वो उसको मार देती है तो वो मर गया अगर नहीं मारती है तो वो बच गया ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ों में उनको टॉर्चर किया गया और वो बचते गए जैसे कि एक बुलेट था उसमें तो वो बुलेट उनको नहीं लगा तो वो वहाँ बच गए और ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी वो बचते गए लेकिन ये बहुत ही पेनफुल था इंसान को मरने से ज़्यादा डर तब लगता है जब वो फेज़ में हो मरने के फेज़ में हो ठीक है अगर अचानक से ड्रेथ आ जाए मर जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि याद ही नहीं रहता कि कब मरे और अगर ऐसा पता हो कि अब मुझे मरना है अब मुझे मार दिया जाएगा अब मुझे लेके टॉर्चर किया जाएगा तो वो पेनफुल रहता है वही हालत था दोस्तवस्की का ठीक है लेकिन उनको ये एक्सपीरियंस करना ही था उनको इसके अंदर जाना ही था जिसकी वजह से उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया ये सब और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था वो उन्होंने अपने बुक्स में भी लिखा है चलिए आगे बढ़ते हैं ही स्पेंट फोर इयर्स इन अ साइबेरियन प्रिजन कैंप फॉलोड बाई सिक्स यर्स ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इन एक्साइल अब यहाँ पे देखिए साइबेरियन प्रिजन जो है वहाँ पे उन्हें लोगों को ले जाया जाता था जो कि एम्पायर के अगेंस्ट में बोलते थे या फिर कोई क्राइम करते थे और क्यों साइबेरिया वहाँ की जगह क्यों नहीं ले जाते थे ये इसलिए क्योंकि साइबेरिया जो है वो बहुत ही कोल्ड जगह है रशिया ऑलटोगेदर कोल्ड जगह है ही लेकिन साइबेरिया जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ठीक है साइबेरिया इज़ वेरी कोल्ड प्लेस इन रशिया एंड देर फो हू एवर यूज टू कमिट मिस्टेक दे वर सेंट टू दिस पर्टिकुलर एरियाज़ जेल एंड दिस वॉज देर फिजिकल टॉर्चर विच वॉज डन एंड मेंटल टॉर्चर एज वेल ठीक है तो चार साल दोस्तोवस्की को भी यहाँ पर गुजारना पड़ा इतनी ठंड में उनको टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद में जब वो फॉर्चुनेटली निकले जेल से तो वो एक एक चीज़ के ऊपर लिखते गए और इसी की वजह से वो पॉपुलर भी हुए और जेल से निकलने के बाद चार साल तो जेल में रहे और उसके बाद में छः साल के लिए उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में रहना पड़ा उनको मिलिट्री को हेल्प करना पड़ा अपना सर्विस देकर और ये कंपलसरी था इसमें कोई चॉइसेस नहीं थे कि कोई विलिंग करता है तो करे या तो ना करे उनको कंपलसरी वहाँ पे सर्व करना था चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर लिस्ट को लेकर और फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे एलेक्सी फ्योदोरविच कैरामजोव एलेक्सी फ्योदोरोविच कैरामेजोव और ये जो है ये मेन प्रेटोनिस्ट हैं ठीक है थीके? ये एक गुड नेचर्ड ह्यूमन बीइंग हैं जो कि दूसरे के दुख को नहीं देख सकते और बहुत ही रिलीजियस है मोनिस्ट्री में जाते हैं वो ज्ञान लेते हैं और जो ज्ञान लेते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं जो भी उनके सामने कोई दुखी है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कोशिश करते हैं कहीं झगड़ा है लड़ाई हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए वो कोशिश करते हैं ठीक है और एक बात मैं बता दूँ ये नावल में या फिर किसी भी नावल में अगर कोई भी रोशन नावल हम लोग उठा के देख ले तो एक इंसान का बहुत सारा नाम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो फॉर्मल है फॉर्मल चीज़ों के लिए उनका नाम लिया जा रहा है तो प्रॉपर उनका नाम लिया जाएगा और अगर वो फैमिली में है फ्रेंड्स के साथ है तो उनका निक नेम यूज़ किया जाएगा ठीक है और ये इसलिए क्योंकि वो डिफ़रेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन बींग को दिखाना चाहते हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि डिफरेंट रोल्स होते हैं जो कि इंसान को प्ले करना पड़ता है और इंसान अपने चेहरे पे मुखौटा लगा के चलता है और ये मुखौटा ये मुखौटे के पीछे कभी कोई एक फादर होता है कभी सन होता है कभी हस्बैंड होता है वैसे ही कभी मदर होती है कभी डॉटर या फिर कोई और तो डिफरेंट रोल्स हम लोग प्ले करते हैं इसलिए डिफरेंट नेम्स भी यहाँ पे दर्शाया गया है एक ही इंसान के बहुत सारे फेजेज हो सकते हैं कोई इंसान एक इंसान के साथ बहुत अच्छा होता है और वही इंसान दूसरे इंसान के साथ बुरा होता है तो ये भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका डिफरेंट नाम दिया गया है तो जितने ज्यादा नाम है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है नॉवल में ठीक है तो यहाँ पे एलेक्सी का एट नेम्स है ठीक है एट नेम्स है एलेक्सी का एक एलेक्सी और बाकी है एलियोस का, सॉरी एलियोशा एलियोशका एलियोशेंका एलियोसेचका एली एलेक्सी चोसा एंड लियोशा ठीक है तो लेट मी रिपीट वंस अगेन एलेक्सी जो है वो मेन प्रोटेगोनिस्ट है मेन रोल इनका है नॉवल में जो कि गुड नेचर्ड ह्यूमन बीइंग है आप इनको कह सकते हैं फिलेंथ्रोविस्ट फिलेंथ्रोविस्ट उनको कहा जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग को पसंद करते हो और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हों ठीक है तो एलेक्सी जो है वो फिलेंथ्रोफिस्ट हैं और इनका नाम है इनका निक नेम्स एलियोशा एलियोशका एलियोशेंका एलियोसेचका एलेक्सीचिक एलियोशा लियोशेंका ठीक है और ये मैंने बोला आपको कि प्रोटोकॉनिस्ट हैं और ये थर्ड सन है फ्योदोर पैवलोविच कैरामजोव ये हैं ये फादर हैं ऑब्वियसली ठीक है तो इनके ये थर्ड सन हैं राइट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर इसलिए उनको फर्स्ट में रखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं यंग ब्रदर ऑफ डिमेट्री एंड ईवान इनके एलेक्सी के दो और भाई हैं फर्स्ट है डिमेट्री और ईवान और एलेक्सी बहुत ही काइंड है जेंटल है लविंग है बहुत इंटेलिजेंट भी है और ये हैं जोशिमा के स्टूडेंट जोशिमा एक मोनिस्ट्री के रिलीजियस प्रीचर है और वो बहुत ही मॉरलिस्टिक हैं और एलेक्सी को या फिर का इसको बहुत ज़्यादा नाम यूज़ किया है नावल में का को सिखाते हैं सब कुछ जो कि उनको ज़रूरत हो सीखने का इसकी वजह से वो काइंड है जेंटल है लविंग है और वाइज भी हैं जबकि ये क्वालिटीज़ हम बाकी उनके ब्रदर्स में नहीं देखते चलिए आगे बढ़ते हैं एलियोश का यानी कि एलेक्सी ठीक है इनका निक नेम यूज़ हुआ है एलियोश का कॉन्ट्रोडिक्स इज कोर्स एंड वर्गर फादर फादर कौन है फ्योदोर पैवलोविच कैरामजोव राइट right. ये फादर का नाम है उनका और वो है वल्गर और कोर्स जितने की पोलाइट एलेक्सी हैं उससे ठीक ऑपोजिट रूड है फ्योदोर पैवलोविच और वल्गर भी है वो बहुत ही इमोरल है वो गंदी गंदी बातें करते हैं और फादर जैसा कोई क्वालिटी उनमें नहीं है ना वो बच्चों को सिखाते हैं अच्छा चीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चों को चाहते ही नहीं है बच्चे हैं उनके उनके खुद के बच्चे हैं लेकिन फिर भी वो उनको देखना नहीं पसंद करते उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते वो किसी और के अंडर में पले बढ़े वो उन चाहते हैं क्योंकि वो खुद से उनका देख रेख नहीं करना चाहते ठीक है इसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि वो इेस्पॉन्सिबल फादर हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ही हैज़ फेथ इन गॉड एंड दिस लीड्स टू अ जेनुइन लव फॉर मैनकाइंड मैंने आपको बताया कि वो फिलेंथ्रोफिस्ट हैं ठीक है पी एच आई एल ए एन टी एच आर ओ पी आई एस टी फिलेंथ्रोफिस्ट इसका मतलब है जो मैनकाइंड को प्यार करते हैं नाइट तो एलेक्सी ह्यूमन बींग्स को प्यार करने वाले थे कितने भी बुरे वो उनके साथ हों वो उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे

ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है वो किसी के बुरे के लिए काम नहीं करता मोनीस्ट्री टेंपल, मस्जिद या फिर सिख का जो भी गुरुद्वारा वगैरह है जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किसी का बुरा हो ये किसी को नहीं सिखाता ठीक है तो एलस का या फिर एलेक्सी जब वो मोनीस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए उसके बाद से उनमें चेंजेस आना शुरू हो गया और फाइनली वो सभी को चेंज करने के लिए कोशिश में लगे रहे नेक्स्ट कैरेक्टर इन द लिस्ट इज डिमिट्री फ्योदरविच कैरेच कैरेव अब ये फ्योदरविच किस लिए यूज हो रहा है ये मैं बता दूं रशियन जो नाम यूज़ करते हैं उसमें अपने फादर का नाम लगाते हैं बीच में ठीक है और ये उनका सर नेम होता है ये उनका अपना नाम ये फादर का नाम और ये उनका सर नेम ठीक है अब डिमिट्री का ये दोनों के और और भी बाकी हैं सन्स वो हम लोग पढ़ेंगे उनके फादर हैं फ्योदोर ठीक है फ्योदोर पैबलोविच कैरामजो तो फ्योदोर उन्होंने यूज किया और विज का नाम है सन ऑफ ठीक है सन ऑफ डिमिट्री सन ऑफ फ्योदोर कैरामजो तो इस तरीके से वो नाम लिखते थे और ये इससे पता चलता था वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडल जो नेम है उससे पता चलता था कि उनके फादर कौन है और फर्स्ट नेम उनका होता था इसी की वजह से उनका लंबा चौड़ा नाम है ठीक है जो भी रशियन नेम्स हैं वो बहुत ही लंबे हैं और इसका कारण क्या है कि उनके कल्चर में उनके ट्रेडिशन में इस तरीके से फादर का नाम भी लगाया जाता था और फ्योदोर पैवलोविच कैरामेजोव उन्होंने भी अपने फादर का नाम बीच में लगाया जो कि है पैवलोविच उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कोई भी रशियन नोवेल हो उसमें कैरेक्टर्स के नाम बहुत लंबे लंबे मिलेंगे आपको और उनका निक नेम जरूर यूज़ किया होगा निक नेम शॉर्ट होगा और उनका ओरिजिनल नेम जो है वो बहुत ही लंबा होगा और निक नेम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट करना होता है निक से ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जिमिट्रीज अदर नेम्स आर मिटका मितिया मिटेंका मिट्री फ्योदोरविच तो इनके कितने नाम हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है One, two, three, four, उनका औरिजिनल नाम लेने के बाद में उनका टोटल नाम है फाइव तो so, जितने ज़्यादा नाम है उतना ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है तो so, फर्स्ट है एलियस्ट का उसके बाद में इनका नाम आता है जो कि इंपॉर्टेंट है नॉवल में the oldest son of fyodor pavlovich karamazov oldest son first child hai fyodor ke dmitri yahan pe dekhiye pavlovich karamazov fyodor pavlovich karamazov ye dmitri ke father ke father ka naam hai जिसकी Pavlov है जिसकी वजह से उन्होंने use किया तो इसी system से उन लोग नाम लिखते थे ठीक है I hope ये clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं डिमित्री इज पैशनेट एंड पैशनेट, वो बहुत ही पैशनेट है अपने इच्छाओं को लेकर, जो भी इच्छा उनके दिल में आता है, उसको पूरा करना ही है और वो जब इच्छाएं पूरा नहीं होते तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं वो टेंपर लूज कर लेते हैं बहुत ही एंग्री हो जाते हैं इसी की वजह से वो अपने फादर से भी भिड़ जाते हैं ठीक है और किस बारे में भरते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में ही कैन बी easily swept away by emotions and enthusiasms। उनको डिसीव करना बहुत ही ईजी है किसी के भी बातों में वो आ जाते हैं किसी के भी बातों में आ जाते हैं और वो अंडर इन्फ्लुएंस वो कुछ भी कर लेते हैं ठीक है मरने मारने पर भी तैयार हो जाते हैं he shows this trait when he loses interest in his fiance, Katerina and falls madly in love with Grushenka. यहाँ नॉवेल में दो लड़कियां हैं कैटरीना एंड ग्रुशंका तो कैटरीना जो है वो डिमिट्री की फ्योन से है मंगेतर है ठीक है लेकिन बाद में क्या होता है कि Grushenka को देखने के बाद में डिमिट्री ग्रुशेंका को पसंद करने लगता है और कैटरीना को छोड़ देता है लेकिन ये इतने इमोरल है मतलब इतने गए गुजरे कैरेक्टर के हैं इस नोवेल में कि अपने दूसरे लड़की को फंसाने के लिए ग्रुशेंका को पसंद करने के लिए उसको अपना बनाने के लिए वो अपने फ्यन्सी से पैसा भी चुराते हैं ठीक है मतलब कि उसका जगह भी किसी और को दे रहे हैं और उसी के पैसे से खरीद रहे हैं वो ग्रुशेंका को ठीक है तो इतने नीच डिमिट्री को दिखाया गया है नॉवल में चलिए आगे बढ़ते हैं विद अ डिमिट्री इज़ द बर्डन ऑफ सिन एंड स्ट्रगल्स थ्रू आउट द नावल टू ओवरकम हिज ओन फ्लॉज यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो डिमिट्री है वो बहुत सारे कुकर्म करता है बहुत सारे गंदे काम करता है अपने फादर के जैसा ये फादर का ही रेप्लिका है जैसे उसके फादर हैं वैसे ही वो हैं फादर शराब में लगे रहते हैं और लड़कियों में लगे रहते हैं उनको अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे ही कैरेक्टर हमको मिलता है डिमिट्री जो कि पैसा और वेमन और अल्कोहल ये तीनों चीज़ों के लिए फेमस है चलिए आगे बढ़ते हैं और ये कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट है का से एलियोसका जो कि रिलीजियस माइंडेड ब्रदर था डिमिट्री का ब्रदर था एलियोस का ठीक है हमारे लिस्ट में थर्ड कैरेक्टर है ईवान फ्योदोरविच कैरमेजोव, इवान फ्योदोरविच कैरमेजोव, इनका तीन निकनेम है वंका वन्या वैनका वन्या वंका वान का और ईवान ये सब लेके इनका फोर नेम्स हैं पहले एच था जो कि मेन कैरेक्टर था एलियोश का नेक्स्ट डिमिट्री जिनका पांच निक नेम्स थे अपना मेन निक नेम लगा के और ईवान का फोर नेम्स है तो अकॉर्डिंगली इनका वैल्यू घटता है जितना कम उनका निकनेम है उतना वैल्यू कम होता है दी सेकेंड सन ऑफ कैरामजो फैमिली एंड द मिडल ब्रदर बिटवीन डिमिट्री एंड एलियोश का ये ऑबियसली कैरामजो फैमिली के मेम्बर हैं और सेकेंड सन हैं इनके ऊपर है डिमिट्री जो कि बहुत ही इम्पेश और लस्टफुल है अपने फादर जैसा और एलियोश का जो कि काइंड हार्टेड रिलीजियस ब्रदर है इनके बीच वाले ब्रदर है ईवान्स ठीक है फर्स्ट है डिमिट्री देन ईवान्स एंड देन एलिय डी आई ए ये आप याद रख सकते हैं डी आई ए ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ईवान्स हैज एन एक्यूटली लॉजिकल माइंड एंड वॉन्ट्स अ लॉजिकल एक्सप्लानशन फॉर एवरीथिंग दैट इन द यूनिवर्स ये ईवान्स जो है वो प्रैक्टिकल माइंडेड है ठीक है फर्स्ट एलियोष्का के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो कि बहुत ही रिलीजियस है कुछ चीज़ें रिलिजन में ऐसे भी हैं जिसको कि प्रूफ के साथ में नहीं बताया जा सकता लेकिन ईवान्स को चाहिए कि हर चीज़ जो एलियोश्का कर रहा है वो प्रूफ करे, वो ब्लाइंडली रिलिजन में बिलीव नहीं करता वो किसी भी चीज़ पे जब तक कि रीज़न क्लियर ना हो बिलीव नहीं करता और इसी की वजह से वो बहुत ज्ञानी है हर चीज़ को वो तोलता है मलोलता है और उसके बाद में उसके बारे में बहुत जानकारियाँ हासिल करता है और फिर वो जाके किसी के बारे में कंक्लूजन भी आता है तो थोड़ा सा विकेड है ये लेकिन फिर भी उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है ठीक है ही फाइंड्स गॉड अगेंस्ट मैन वो सोचते हैं कि जो भगवान है वो इंसान के अगेंस्ट में काम करते हैं ये किस क्यों बताती हूँ मैं आपको he could not understand why God does why does God give sufferings to human beings उनका कहना है कि God powerful है और गॉड ने इंसान को बनाया तो इंसान को इतनी सारा तकलीफ क्यों देते हैं वो उनके हाथ में है तो सब सॉल्व कर देना चाहिए वो क्यों देते हैं इसी की वजह से वो सोचते हैं कि भगवान इंसान के अगेंस्ट में है लेकिन हम लोग को क्या एक्सप्लानीशन इनको देना चाहिए ये कि जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कुछ हमारे पिछले जन्म का भी कर्म होता है जिसकी वजह से हम लोग को रिजल्ट मिलता है इसमें कोई दो राय नहीं है और जो हम लोगों को सिचुएशन सामने देते हैं भगवान उसको फेस करने के लिए शक्ति भी देते हैं और उसको फेस करके ही हम लोगों को आगे बढ़ना है क्योंकि लाइफ इज़ नेवर बेड ऑफ रोजेज हर कदम पे मुश्किलें हैं एक पड़ाव पार होता है और दूसरा पड़ाव रेडी होता है तो भगवान कोई चीज़ इजी नहीं करना चाहते क्योंकि इंसान को ख़ुद को यह सब सॉल्व करना है और भगवान क्या करते हैं उनको आ, पावर देते हैं जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं और भगवान से भी यही मांगना है कि जो भी तकलीफें हैं उसको सॉल्व करने का तरीका और पावर उनके पास हो इंसान के पास दे दिया जाए ये नहीं मांगना चाहिए कि प्रॉब्लम्स ही नहीं आए प्रॉब्लम्स आए लेकिन उनके साथ लड़ने की क्षमता भी उनको भगवान दे लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है ई वांस टोटली भगवान को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं भगवान को नहीं होना चाहिए भगवान ही कल्पृत है भगवान ही दोषी है इंसान के प्रॉब्लम्स को लेकर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इन टू रिकॉन्साइल द आइडिया ऑफ अनजस्ट सफरिंग विथ द आइडिया ऑफ अ लविंग गॉड यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट हो जाता है अब उनका भाई जो है वो रिलीजियस है और वो खुद एथियस्ट है जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करते और इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान को प्यार करना नहीं चाहिए क्योंकि वही है जो सबको दुख देते हैं नेक्स्ट इन द लिस्ट इज फ्योदिच कैराम ये है फादर ऑफ द ऑफ डाइनेस्टी और फैमिली ही इज अ रिच पेट्रीआर्क ऑफ द दफ डायनेस्टी। पेट्रीआर्क मतलब मेल मेंबर्स जो, 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 जो कि हेड है तो ये कैरामज डायनेस्टी डाइनेस्टी के पेट्री हैं और इसका मतलब क्या है कि वो हेड है कैरामज फैमिली के ही इज़ फादर ऑफ एलियट्री एंड इवान्स एंड इलिजिटमेट फादर ऑफ स्मर डोव उनके चार बच्चे हैं ये तीनों तो लीगल हैं उन्होंने शादी किया और बच्चे हुए लेकिन ये जो है स्मर डैकोव वो इलीगल हैं बिना शादी किए उन्होंने इसको जन्म दिया ठीक है तो चार बच्चों के वो फादर हैं ऐसे देखा जाए तो और बहुत सारे लेडीज़ के साथ उनका रिलेशनशिप था तो उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे इधर ही इज़ रफ वलगर ग्रीडी एंड लस्टफुल वो बोलने का तरीका भी उनको नहीं मालूम है वलगर है क्योंकि कहाँ पे क्या बोलना है कैसे मैनर में रहना है वो सब उनको नहीं मालूम बहुत ग्रीडी है जहाँ पे पैसा और वमेन हो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं और हर चीज़ को वो खरीद के enjoy करना चाहते हैं लड़की हो अल्कोहल हो या कुछ भी हो ठीक है एक फादर हो के वो ये नहीं सोचते कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे और उनके बच्चे क्या सोचेंगे उनको क्या है उनका इच्छा पूरा होना चाहिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और इसी की वजह से उनके बाकी बच्चे एक्सेप्ट वन भी बुरे हो चुके हैं उनका कोई मॉरल नहीं है मॉरल वैल्यूज़ नहीं है जस्ट लाइक like their father fyodor pavlovich wants luxurious life just for the satisfaction of his senses wo apne senses ko pamper karna chahte hain unko peena hai ladkiyon ko घुमाना है उनके साथ relationship रखना है और अपने पैसा waste करना है He is selfish and lacks emotions. वो बहुत ही selfish हैं ये इसलिए क्योंकि ना वो बच्चे के बारे में सोचते हैं ना उनके वाइफ जो कि बहुत जल्दी गुजर जाती हैं बच्चे लोगों को पैदा करने के बाद दोनों के दोनों वाइफ गुज़र जाती है और ये गुजर जाने का सिंबॉलिक मीनिंग ये होता है कि रशियन फैमिली में वमेन का कोई कदर नहीं है ठीक है उनके बिना भी जिंदगी चलती है लोगों का ये दिखाना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से चलता है वो भी राइटर दिखा देते हैं ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ रशियन नोवेल दी ब्रदर्स कैरामजो में लड़कियों का रोल बहुत ही कम है ये इसलिए क्योंकि उनके रियल सोसाइटी में भी लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था तो नोवेल में भी उन्होंने लड़कियों को नहीं रखा और लड़कियां नहीं हो तो क्या रिजल्ट्स आते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है ठीक है तो यहाँ पे उनको हम लोग सेल्फिश पाते हैं जिनके पास कोई इमोशन नहीं है ना वो अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं इमोशनली ना उनके वाइफ से ना ही किसी और से ठीक है ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर हिज चिल्ड्रन उनके चार बच्चे हैं लेकिन कोई भी बच्चा उनके क्लोज नहीं है क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि कोई उनको पसंद करे और ये ह्यूमन नेचर है जो आपको प्यार करते हैं तभी उनको प्यार मिलता है और यहाँ पे फ्योद किसी को प्यार ही नहीं करते तो वो रिटर्न भी नहीं मिलता उनको खाली पैसे से रिलेशन है ठीक है द हाइट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन वेन ही फोगेट्स विच ऑफ़ देम बिलोंग्स टू विच मदर उनके चार बच्चे हैं जो चार बच्चे में से दो एक मदर के हैं और दूसरा दूसरे मदर के एक इलीगल वाइफ है जिनका एक बेटा है तो उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन से बच्चे किस मदर के हैं और इनके ये एक्ट की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि वो कितने इन फादर हैं हिज ओनली गोल इज़ इन लाइफ इज़ टू हैव मनी एंड सड्यूस यंग वुमेन वो पैसा चाहते हैं और पैसा उनके पास बहुत है और ऐसे ऐसे बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से उनके पास पैसा बनते जाता है और एज इट इज़ वो रॉयल फैमिली से हैं तो पैसा उनका था ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे तो उनके पास पैसा का मोनोपोली था नेक्स्ट लेडीज को सड्यूस करते थे उनको लस्टफुल लाइफ जीने का मन था तो वो पैसा देते थे और वुमेन उनके साथ रिलेशन के लिए रेडी हो जाती थी तो ये एक एज अ फादर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही गलत है ही ट्राइज इज लेवल बेस्ट टू सड्यूज ग्रूशंक होम ही लस्ट मच होम ही लास्ट मच इन द नावल यहाँ पे देखिए फादर और सन दोनों एक ही लड़की को प्यार करने लगते हैं जिसका नाम है ग्रुशेंका वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है और ग्रुशेंका को देखते ही उन फ्योदोर जो कि चार बच्चों के बाप हैं वो फिदा हो जाते हैं और डिमिट्री जो कि फर्स्ट सन है वो भी ग्रुशेंका को प्यार करने लगता है और की वजह से भी दोनों में क्वारल होने लगता है नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट फ्योदोर पावलोविच इज इवेंचुअली मर्डर्ड बाय स्मर डेकोव फ्योदर जो कि फादर है उनको मार दिया जाता है लास्ट में और फाइनली हमको पता चलता है कौन है मर्डरर यह है उनका इलेजिटिमेट सन जो कि जिसका नाम है स्मर डेकोव ओके स्मर डेकोव प्लीज नाम याद रखिएगा स्मर डेकोव जिसों जिन्होंने अपने फादर को मारा और क्यों मारा ये भी मैं बताऊंगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी okay, अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को स्मरद uh, क्योकोव को ये बताया गया था कि किसी अच्छी चीज़ के लिए किसी बुरे चीज़ को डिस्ट्रॉय करना अच्छा होता है और रिलीजन के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल है और ये थ्योरी अप्लाई करते हैं स्मर्द और अपने फादर को मार देते हैं ठीक है ठीके? और ये एक्सप्लानशन देते हैं कि मुझे ये डेथ डेथ नहीं लगता मुझे ये मर्डर मर्डर नहीं लगता इसकी वजह से ये मर्डर नहीं है लेकिन फाइनली उनको पुलिस ले जाता है क्योंकि वो मर्डरर हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नावल इज एग्राफेना एलेग्जेंड्रोवना स्वेटलोव एग्राफेना एलेक्ना स्वेटलोव और इनका निकनेम है घ्रुशंका घ्रुशा ग्रुशका ओके तो ये तीनों नाम हैं उनके निकनेम्स और मेन नाम है एग्रफेना ये कौन है इनका मैक्सिमम नाम ये यूज़ हुआ है ग्रुशेंका और ग्रुशेंका बहुत ही सुंदर एक लड़की है जिसको फादर और सन दिनों ने दोनों ने पसंद किया था ठीक है उनके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ ले, ले लेते हैं अभी सैम सोनोव ब्रॉट हर टू दाउन एज हर नो एज हर लवर बिट्रेज हर ये जो ग्रुशेंका है उनका एक लवर था लेकिन उन्होंने बिट्रे कर दिया उनको जिसकी वजह से सैमसोनोव ये एक आ, लड़के का नाम है उन्होंने उनको काम वगैरह दिलाया था ग्रुशेंका इज प्राउड फायरी एंड हेड स्ट्रॉ वो बहुत ही प्राउड है अपने आप में वो कोई गलत काम नहीं करना चाहती और अपने पर्सनालिटी को वो बना के रखती है किसी के भी आगे वो झुकना नहीं चाहती है और जो भी उनको बात कहना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है ग्रुशेंका यही चीज़ों के लिए जानी जाती है नोवेल में अब क्या होता है कि फ्योदोर पैवलोविच एंड डिमिट्री लव द सेम गर्ल ग्रुशेंका को ये दोनों पसंद करने लगते हैं और जिसकी वजह से ये फादर और सन दोनों में घमासान युद्ध ओके okay, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है शी इज रेप्यूटेड टू बी सेक्शुअली प्रोमिसकस बट इन रियालिटी शी इज मच टू प्राउड टू गिव herself टू लवर्स अब यहाँ पे देखिए उनको लगता है लोगों को कि ये बहुत ही गिरी हुई लेडी है जिनको हर किसी को वो पटाना जानती है रिलेशनशिप बनाती है लेकिन ऐसा नहीं है वो रेयरली किसी को चाहती है क्योंकि वो अपना पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखना चाहती है हद पर वो किसी से बात भी नहीं करती शी डिवोट्स हर सेल्फ इन स्टेड टू इनक्रीजिंग हर वेल्थ बाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ये आइडियल वूमेन मॉडर्न वुमेन को रिप्रेजेंट करती है जो कि लव अफेयर्स में रेयरली बिलीव करती है और इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा बिलीव करती है इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद ही उनको पैसे के ऊपर पैसा जनरेट होता है बट आफ्टर शी मीट्स एलियोशका हिडन वेन ऑफ जेंटलनेस इमर्जेस अब एलियोशका जो कि थर्ड सन थे फ्योदोर के उनको पसंद करने लगती है धीरे धीरे क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ जाती है और उसके बातें एलियोशा ग्रोसेंका को बदलने लगती है नेक्स्ट कैरेक्टर है इलेजिटिमेट सन ऑफ फ्योदोर जिनका मेन नाम है पॉवेल फ्योदोरविच स्मरदा कोव उनका मेन नाम है फ्योदोरविच सन ऑफ स्मरदया और ये बिलोंग करते हैं स्मरदा फैमिली से ठीक है और उनके नाम के पीछे कारमासोव सॉरी कैराजोव ब्रदर्स का नाम नहीं लिया ये इसलिए क्योंकि वो इलेजिटमेट हैं वो शादी बिना किए पैदा हुए हैं उनके पेरेंट्स बिना शादी किए पैदा हुए हैं पैदा किए हैं उनको जिसकी वजह से उनको नाम नहीं दिया गया ये सन है लिजावेटा एंड फ्योदोर पैवलोविच कैराजोव के ठीक है लेकिन शादी इनकी नहीं हुई है लिजावेटा ये बस उनकी लवर थी और उसकी वजह से स्मरदा पैदा हुआ था और इसकी वजह से भी उनमें बहुत गु़स्सा है इस में कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ क्यों उन्हीं को बिना शादी किए जन जन्म लेना पड़ा उनके पेरेंट के और उसके बाद में प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ा इसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं और बहुत बार वो गुस्सा भी करते हैं ठीक है और सभी दुनिया को सोचते हैं वो कि सब के सब गलत है सबके सब, सब मतलब ही हैं इसलिए इनको भी नेगेटिव कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं ही इज़ रेस्ड बाय ग्रिगोरी एंड हिज वाइफ मरफा एंड इज मेड टू वर्क इन फ्योदोर पेवलविच हाउस एज अ सर्वेंट यहाँ पे देखिए उन्हीं के बच्चे होने के बावजूद भी उनको सर्वेंट जैसा ट्रीटमेंट दिया गया जिसकी वजह से वो सिनिकल हो गए थे वो दुनिया को बोलते थे सभी के सभी के मतलब ही हैं और उनको पाल पोस के बड़ा किया था ग्रिगोरी ने ग्रिगोरी और उनकी वाइफ मरफा और ये दोनों ये दोनों फ्योदोर के लिए काम करते थे घर में सर्वेंट थे और जी क्योंकि ग्रिगोरी और मरफा ने इनको पाला पोसा बड़ा किया था तो इनके सर्वेंट को सर्वेंट का इनको स्टेटस मिला था उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर्स्ट विथ एपिलेप्सी स्मर द कोफ बिकम वो बहुत ही सिनिकल है और किसी को भी वो पसंद नहीं करते अपना पास भटकने भी नहीं देते ये इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिले उनको भी वो इज्जत मिले जो कि बाकी लोगों को मिल रहा है और जहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है उनको एपिलेप्सी का तो वो और ज़्यादा सीनिकल हो जाते हैं एपिलेप्सी मतलब ब्लैकआउट हो जाना ठीक है बीच बीच में उनको दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से वो फेंट हो जाते थे तो ये सब की वजह से वो दुनिया के अगेंस्ट में हो गए थे इवान इन्वेस्टिगेट्स हिम टू तो किल सॉरी इंस्टिगेट्स दिस इज इंस्टिगेट्स ओके इंस्टिगेट्स हिम टू तो किल हिज फादर ई जो कि बिलीव नहीं करते थे रिलीजियन में गॉड में वो बोले कि मारने में मार सकते हो तुमको क्योंकि तुमको प्रॉब्लम है तुम नहीं मानते कि वो न भगवान ने उनको बनाया है राइट right, इसको बहुत अच्छे से समझिए स्मर्दाको के फादर यानी कि फ्योदर फ्योदर को अगर भगवान ने बनाया होता तो अच्छा बनाया होता बुरा नहीं बनाया होता लेकिन फ्योदर के बिहेवियर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि भगवान ने बनाया जैसा लगता हो इसी की वजह से ईवान बोलते हैं कि तुम अपने फादर को मार सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है फादर होने के लायक नहीं है क्योंकि फादर होने के लिए ये ये क्वालिटीज़ होने चाहिए और इसी इन्फ्लुएंस में आके वो अपने फादर को मार देते हैं ठीक है हुज एडवोकेसी ऑफ एन एंटी रिलीजियस अमोरलिटी इंटरेस्टिंग अब वो उसको मोरालिटी की ओर ले जाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो नंबर वन नंबर टू भगवान ने अच्छे लोगों को ही बनाया बुरे लोगों को नहीं बनाया और अगर बुरे लोगों को तुम मारते हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है वो डिज़र्व करते हैं ये बोलता है ईवान्स ईवान्स ये भी बोलता है कि लोगों को फोर्सफुली रिलीजियस बनाना चाहिए अगर उनको ऐसे ही टाइम दे दिया जाए उनको छोड़ दिया जाए तो वो मंदिर मस्जिद जाएंगे भी नहीं इसी की वजह से स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए पूजा पाठ के लिए भी ये बोलते हैं इवान्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जोशीमा जोशीमा एक फिलेंथ्रोफिस्ट है फिलेंथ्रोफिस्ट मतलब जो इंसान को या फिर मैन काइंड को पसंद करते हैं और उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो ये मोनेस्ट्री के प्रीचर हैं ठीक है ठीके? और बहुत ही भगवान पे बिलीव करते हैं और इन्हीं के स्टूडेंट हैं एलियोश्का जो कि मेन कैरेक्टर है एलियोषका ठीक है ही इज एलियोशाज एलिश्का या फिर एलियोशा सभी एक हैं ही इज एलियोशाज मेंटर एंड टीचर बिफोर हिज डेथ इन बुक सिक्स बुक सिक्स में डेथ हो जाता है जोशिमा का तो तब तक वो एलियोशका को ट्रेन करते हैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड फील्ड विथ एन आर्डेंट एंड सिंसियर रिलीजियस फेथ उनको बहुत ही नॉलेज है और वो किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और उनकी दिल ही इच्छा है कि वो रिलीजियस चीज़ों से ही घिरे रहें उनके उसके बाद भी डेथ के बाद भी जोशिमा प्रीचेस अ मैसेज ऑफ एक्टिविटी लविंग मैन काइंड फॉर गिव्स दी सीन्स ऑफ अदर्स एंड चेरिसिंग गॉड्स क्रिएशन अब जोशिमा सोचते हैं कि मैन काइंड को अपने एक दूसरे पे प्यार बांटना चाहिए और गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए नॉट ओनली दैट वो दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि भगवान ने जो भी बनाया वो कोई भी गलत तरीके से नहीं बनाया इसलिए जो भी भगवान बनाते हैं उसको चेरिश करना पड़ता है द क्लैरिटी ऑफ जोशीमाज़ फेथ गिवस एक्सट्रीमली लार्ज एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनसाइट इन टू माइंड ऑफ द पीपल ही मीट्स अब जोशी माँ जिस तरीके से बात करते हैं लोगों से जिसे आ, कुछ बनाना हो कुछ बातें करना हो तो उसी से पता लगा लेते थे, थे कि वो किस टाइप के रिलीजियस इंसान हैं तो इसी की वजह से वो फेमस भी होते हैं जोशी माँ जो, जो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल डे में वो कुछ नहीं कर पाते वो फेल हो जाते हैं चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टोरी के बारे में अभी कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका होगा पार्ट टू दी ब्रदर्स कैरेमाजोव थैंक यू एवरी वन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फरगेट टू गो थ्रू एंड सी ड्रीम ऑफ थ्री बॉयज़ थैंक यू सो मच कीप इन टच